वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल टेक्नो दस्तान। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, मैं रेगुलर आपके लिए जो है यहाँ पर अभी आपके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट लोकल सेल गवर्नमेंट से जो सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा के एग्जाम लगने वाले हैं उनकी रेगुलर यहाँ पर क्लासेस चला रहा हूँ तैयारी करवाने के हिसाब से, ठीक है। तो जिसने अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ये वीडियो जरूर अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस चैनल से जुड़ सकें और वो भी तैयारी कर सकें और अच्छे नंबरों से पास हो सकें। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए अपन जो है डायरेक्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। आज 13वीं क्लास स्टार्ट करेंगे जिसमें आपका महत्वपूर्ण तकनीक नाम का टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, तापमान नब्ज और श्वसन क्रिया को कहा जाता है, तो इसको TPR कहा जाता है। टी का मतलब हो जाता है अपने टेम्परेचर, पी का मतलब हो जाता है प्रेशर, आर का मतलब हो जाता है रेट, ठीक है। इस प्रकार से आपका इसको अपन बोलते हैं TPR, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है, तापमान बढ़ने के कारण है, तो इसमें दे रखा है कसरत करने से, भोजन के पाचन से, वातावरण के तापमान बढ़ने से, उत्तेजित होने से। तो ये सभी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन फाइव। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से तापमान कम होने के कारण है, सोने से, उपवास करने से, ठंड पड़ने से, मुँह से सांस लेने से। उपरोक्त सभी यही है सभी। तो इसमें पांचवा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, तापमान मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें आपको जो है थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है या तापमापी थर्मामीटर बोलते हैं उसको, ठीक है। फाइव नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से तापमापी के प्रकार है, कांच की तापमापी, कागज या प्लास्टिक तापमापी, इलेक्ट्रॉनिक तापमापी। उपरोक्त सभी यही है सभी। तो यह सभी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्स नंबर का क्वेश्चन है, फारेनहाइट से सेंटीग्रेड में परिवर्तन करने का सूत्र है, तो इसमें आपका ऑप्शन वन करेक्ट आंसर हो जाएगा, C = F-32/9×5। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके हायर एंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2017 के अंदर आ चुका है, ठीक है। सेवन नंबर का क्वेश्चन है आपका, सेंटीग्रेड से फारेनहाइट में परिवर्तन करने का सूत्र है, तो इसमें आपका ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, F = 9/5+32। एट नंबर का क्वेश्चन है, शरीर से तापमान किन किन भागों से लिया जाता है, मुंह के अंदर, जीभ के नीचे से, मलाशय के स्थान से, खांक के स्थान से। फोर्थ ऑप्शन है यह सभी या अप्रोक्स सभी। तो इसमें आपका ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइन नंबर का क्वेश्चन है, मुंह के अंदर, जीभ के नीचे से मिलने वाला सामान्य तापमान है, तो 37° से 98.6°F, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। 10 नंबर का क्वेश्चन है, मलाशय के स्थान से मिलने वाला सामान्य तापमान है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है, कांख के स्थान से मिलने वाला सामान्य तापमान है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन है, वयस्क व्यक्ति का सामान्य प्रति मिनट स्पंदन होता है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 बार। 13 नंबर का क्वेश्चन है, जन्म होने पर सामान्य नब्ज की दर होती है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 130 से 140। 14 नंबर का क्वेश्चन है, प्रथम वर्ष में सामान्य नब्ज की दर रहती है, 115 से 130। 15वां क्वेश्चन है आपका, बाल्यावस्था में सामान्य नब्ज की दर रहती है, 80 से 115। 16वां क्वेश्चन है, प्रौढ़ावस्था में सामान्य नब्ज की दर होती है, तो 72 से 80 होती है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, जब गति प्रति मिनट 100 स्पंदन से अधिक होती है उसे कहते हैं हृदय शीघ्रता। 18 नंबर का क्वेश्चन है, जब गति प्रति मिनट 60 स्पंदन से कम होती है उसे कहते हैं ब्रेडीकार्डिया। 19 नंबर का क्वेश्चन है, जब स्पंदन अनियमित होता है तो उसे कहते हैं एरिथमिया, ठीक है, ऑप्शन 1। 20 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से श्वसन क्रिया को प्रभावित करने वाले घटक है, आयु, व्यायाम, बुखार, हृदय की बीमारी और यह सभी। तो यह सभी आप लोग सभी 5वां ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल अपन स्टार्ट करेंगे 14 क्लास जिसमें आपका टॉपिक का नाम है संक्रामक बीमारियों का आम रक्त विज्ञान, ठीक है।
दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।